Hello friends, in this video we will learn about checksum method of error detection. देखो checksum method जो है तो इंटरनेट एक method है error detection करने का इंटरनेट में, ठीक है. several protocol इसको use किए, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, देखो जो for example अगर मेरे को data भेजना है 7, 11, 12, 0 and 6. अब देखो अगर ये डेटा मेरे को अगर भेजना है रिसीवर के लिए, ठीक है, तो इसमें मैं मुझे क्या करना पड़ता है, चेकसम मेथड में क्या होता है कि ये सारे डेटा का एक और बिट ऐड होता है, जो होता है ये सारे डेटा का सम, ऐसे भेजना पड़ता है मेरे को. अब देखो जब रिसीवर के पास ये डेटा जाएगा, ठीक है, तो अब उसको अगर पता करना है कि इसमें एरर है या नहीं है, तो ठीक है ये वो कंपेयर करता है ये 36 को और फिर सम करता है इसका. अगर इसका भी सम आ गया 36 तो ये इसको इसके साथ कंपेयर करता है. अगर ये दोनों नंबर सेम रहे तो फिर वो इस डेटा को एक्सेप्ट करता है और ये जो सिंगल बिट है इसको डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है. तो ऐसे वो एरर चेक करता है. तो अभी हम देखो एक प्रोसेस और कम कर सकते हैं इसमें रिसीवर का. क्या कर सकते हैं हम, देखो उसको पहले इसको सम करना पड़ रहा था, फिर जो सम आ रहा था उसको इस वाले बिट के साथ उसको कंपेयर करना पड़ रहा था. तो अभी क्या कर सकते हैं हम कि सीधे सीधे इसको इसका कॉम्प्लीमेंट सेंड कर देंगे, ठीक है. अब उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसका पूरे बिट्स का सम, पूरे डेटा का सिर्फ एक बार सम निकालना पड़ेगा और सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि इसका अगर 0 आ गया तो ये चारों को एक्सेप्ट कर लो और इसको डिस्कार्ड कर दो, ठीक है. तो ऐसा होता है चेकसम मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन. अब देखो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि सेंडर साइट पे क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, और फिर रिसीवर साइट पे पहुंचने के बाद ये जो पैकेट है वो वहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ठीक है. तो अब देखो जो भी मैसेज हमारा रहता है तो उसको क्या करता है सेंडर साइट पे, सबसे पहले क्या होता है कि इनको 16 बिट वर्ड्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि यहाँ 7, 11, 12, 0, 6, ठीक है. अब क्या होगा, इन सबका एडिशन होगा, मीन्स हो गया ये 36, इन सब का एडिशन हो गया 36. अब देखो क्या होगा कि इसका रैप्ड सम निकालेंगे. रैप्ड सम कैसे निकालते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ, आप सिर्फ इतना कंसीडर करके चलिए कि 36 का हमें निकालना है रैप्ड सम, ठीक है. 6, अब देखो 6 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 1, 1, 0, ये हो गया 0, 1, 1, 0, बाइनरी में कर दी हमने इसको 6 को रिप्रेजेंट, ठीक है. अब देखो रैप्ड सम निकालने के बाद क्या करना पड़ता है, रैप्ड सम निकालने के बाद इसका रैप्ड सम का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है. कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, 0 का 1, 1 का 0 और 0 का 1, ठीक है. अब ये क्या हो गया, ये हो गया 9, ठीक है. देखो अगर बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी एडिशन, बाइनरी कन्वर्जन, वंस कॉम्प्लीमेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया, उसमें सारे मतलब बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और सारे जितने भी कन्वर्जन्स है या तो फिर वंस कॉम्प्लीमेंट के एडिशन, बीसीडी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सारे के सारे वो दो वीडियोस में मैंने दो वीडियोस करके उसको अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी चैनल पे, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है. तो जो हमारा रैप्ड सम आया था उसका हमने ले लिया कॉम्प्लीमेंट. अब ये जो कॉम्प्लीमेंट लिए यही होता है चेकसम, ठीक है. अब इसको क्या करेंगे हम, इसको एक पैकेट में बना के इसको सेंड कर देंगे रिसीवर के पास. देखो हमारा क्या था, 7, 11, 12, 0, 6 और ये जो चेक सम है इसको भी हमने ऐड कर दिया 9, ठीक है. अब देखो रिसीवर साइड पे क्या होता है, फिर से इसको डिवाइड करेंगे 16 बिट वर्ड्स में, 7, 11, 12, 0, 6, 9, ठीक है. अब इसका निकालेंगे सम 45, ठीक है. अब 45 का उसके बाद क्या करेंगे, 45 का निकालेंगे रैप्ड सम 15, रैप्ड सम आ गया 15, ठीक है. उसके बाद 15 का देखो 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1, 1, 1, 1, ठीक है. 15, अब देखो जैसा कि हमने यहाँ पर ये रैप्ड सम को कॉम्प्लीमेंट करके चेक सम निकाला था, फिर उसके बाद यहाँ पर भी वैसे ही करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे रैप्ड सम निकला सम का 15, तो 15 का कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अब 15 का करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट. तो 15 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, ठीक है. मीन्स ये आ गया 0. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिसीवर को अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट करके भेजेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट करके अगर भेजेंगे तो उसको सिर्फ ये चेक करना होगा कि 0 है क्या ये सारा का सारा सम.
तो यहाँ पर देखो यहाँ पे ज़ीरो आ गया इस एग्जांपल में, तो वो क्या करेगा जैसे ही यहाँ पे उसको ज़ीरो दिखा तो वो इस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो बस यही होता है चेकसम, यानी अगर यहाँ पे ज़ीरो आया तो वो एक्सेप्ट करेगा, और अगर ज़ीरो नहीं आया तो उसको रिजेक्ट इसको डिस्कार्ड कर देगा ये फ्रेम्स को, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम रैप्ड सम कैसे निकालते हैं। अब देखो रैप्ड सम का मसला ऐसा है कि देखो हमारे पास जो नंबर आया था सम का सेंटर साइड पे वो आया था 36, ठीक है। अब 36 को लिखो बाइनरी में, 36 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, वैसे तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, बाइनरी कन्वर्जन बाइनरी, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार यहाँ पे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आप नंबर्स लिख लो, 1, 2, 4, 8, 16 और 32, ठीक है। ये नंबर्स लिख लो, देखो अब क्या करो कि ये जो 36 है इसको हम कौन से नंबर यूज़ करके बना सकते हैं। देखो 32 प्लस 4, ठीक है, ये दो नंबर को यूज़ करके हम 36 बना सकते हैं। तो इसके नीचे लिख दो 1 और बाकी के सब नंबर्स के नीचे लिख दो 0000, ठीक है। ये बन गया 36 का बाइनरी, ठीक है। अब देखो क्या करो, इसमें से ये जो नंबर है 1 और 0 आखिरी के दो जो डिजिट्स हैं तो इनको यहाँ से उठाओ और यहाँ पे डाल दो। अभी हम रैप्ड सम कैसे बनाते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दिया तो इसको आप कर दो प्लस, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 1 0, ठीक है। अब देखो ये कौन सा नंबर है, ये बन गया 6, ठीक है, ये आ गया रैप्ड सम 6। तो ऐसे निकालते हैं रैप्ड सम। उसके बाद हम क्या करते थे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते थे, 1 0 0 1, वो आ गया था हमारा 9 सेंटर साइड पे, हमने फिर 9 को पैकेट में ऐड करके सेंड किया था, ठीक है। ऐसा निकालते हैं रैप्ड सम। अब हम देखेंगे 45 जो रिसीवर साइड में जो हमने 45 का रैप्ड सम निकाला था वो कैसे निकाला था, जो कि हमारा 15 आया था, ठीक है। अब देखो 45 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करें, 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32, ठीक है। अब 45 को बनाने के लिए यहाँ से कौन से नंबर्स लगेंगे, ठीक है। तो पहले देख लो यहाँ पे लगेगा हमको 32, देन 8 हो गया, 40 हो गया, फिर 1 4 44 एंड देन 1 45, बाकी के नंबर्स 0 0, ठीक है। तो ये बन गया 45 का बाइनरी, ठीक है। अब ये इस बाइनरी का जो आखिरी के ये दो डिजिट है, ठीक है, इसको निकालो और यहाँ पे डाल दो, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कर दो सम, सम वो क्या होगा, 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 1 1, देन ये आ गया था हमारा 15, देखो यहाँ पर भी आ गया हमारा रैप्ड सम 15, इसी को बोलते हैं रैप्ड सम। उसके बाद हमने इसको कॉम्प्लीमेंट किए थे 0 0 0 0, ये आ गया था हमारा 0, ठीक है, मतलब हो गया था ये राइट, मतलब डेटा में कुछ करेक्शन नहीं था, डेटा में कुछ एरर नहीं था, इसलिए उसने रिसीवर ने इस डेटा को एक्सेप्ट कर लिया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट चेकसम एरर डिटेक्शन मेथड। सो अगर आपको समझ में आया तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और कन्फ्यूजन यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, गुड बाय।